शहर में पहली बार भव्य जगन्नाथ यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन प्रचार समिति के लोगों ने प्रेस वार्ता लेकर जानकारियां दी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन प्रचार समिति के द्वारा दुर्ग शहर में पहली बार भव्य जगन्नाथ यात्रा निकालने जा रही है। इस आयोजन को लेकर बुधवार को समिति के लोग प्रेस से चर्चा कर अपने आगामी 13 जुलाई को किए जाने वाले आयोजन को लेकर जानकारी दी। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो अभी हम लोग इस्कॉन प्रचार केंद्र दुर्ग की तरफ से पहली बार दुर्ग शहर में एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी जो है रथ पर आसीन होकर बाहर निकलेंगे, पूरे शहर में अपनी कृपा को बांटेंगे। भगवान जो है साल में एक बार केवल बाहर निकलते हैं अपने गर्भगृह से और पूरी जनता को आशीर्वाद बांटते हैं, है ना, उनको अपना दर्शन देते हैं। और इसमें रथ में जो है वो कम से कम 500 से भी अधिक भक्त, 1000 के करीब भक्त जो है शामिल होंगे और रथ को खींचेंगे। और रथ को खींचने से बताया जाता है, वामन पुराण में बताया गया है कि जन्म मृत्यु के चक्र से जो है हमें छुटकारा मिलता है, क्योंकि जगन्नाथ जी के रथ पे भगवान का दर्शन करता है और उनकी रथ की रस्सी को खींचता है। ये मौका जो है लोगों के पास है सर कि वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इस भव्य रथ यात्रा में जो है बैगा पारा में अग्रवाल धर्मशाला से ये रथ निकलेगा, जो कि इसको उनका प्रचार केंद्र है, और ये रथ जो है इंदिरा मार्केट से होते हुए पहले ग्रीन चौक तक जाएगा, फिर ग्रीन चौक से राजेंद्र पार्क, वहाँ पर एक बहुत ही भव्य रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है वो स्तर पे जो नाटक कलाकार जो प्रस्तुति करते हैं, नृत्य कलाकार, उनके द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। और उसके अलावा 108 दीपों से जो है आरती की जाएगी भगवान की, है ना, और रास्ते भर जो है रंगोली सड़क पे रंगोली बनाई जाएगी भगवान के स्वागत करने के लिए, आतिशबाजी होगी और साथ में फूलों की होली जो है वो खेली जाएगी वहाँ पर, और साथ भगवान को फूलों से जो है भगवान का स्वागत किया जाएगा। और उसके अलावा क्रेन से जो है हम 56 भोग ऑफर करेंगे भगवान को, है ना। इस प्रकार से ये सब आयोजन जो है राजेंद्र पार्क चौक पे होने वाला है, एक से 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसके तदुपरांत जो है भव्य रूप से संकीर्तन होगा, जिसमें कम से कम 1000 लोग नृत्य करेंगे भगवान के नाम के उसमें, और भगवान का नाम का संकीर्तन होगा। और उसके बाद ये रतिया ये यात्रा जो है वो गंज पारा तक जाकर समाप्त होगी। गंज पारा में 1000 भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, भंडारा का व्यवस्था किया गया है, सबके लिए निःशुल्क प्रसाद रहेगा, सब लोग प्रसाद पा सकते हैं, जगन्नाथ जी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को हरिनाम सुनने से उनको भगवान की कृपा मिले और भगवान का रथ खींचने से कृपा मिले, और इस प्रकार से वो जुड़ सकते हैं, भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।